चिल्ड्रन, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था, आज मैं आपको बता रही हूँ परफेक्ट टेंस। आई हैव प्लेड द गेम जस्ट नाउ, आई हैड प्लेड द गेम बिफोर ही केम, आई शैल हैव प्लेड द गेम बिफोर 7 o'clock। आई हैव प्लेड द गेम जस्ट नाउ यानी मैंने अभी गेम खेला, ठीक है। आई हैड प्लेड द गेम बिफोर ही केम, उसके आने से पहले मैं गेम खेल चुका था। आई शैल हैव प्लेड द गेम बिफोर 7 o'clock यानी 7 बजने से पहले मैं गेम खेल चुकूंगा। तो अब आप इसमें तीनों का डिफरेंस समझिए। इन सेंटेंस ए, हैव प्लेड इंडिकेट्स दैट एट प्रेजेंट टाइम द एक्शन इज कम्प्लीटेड, यानी जस्ट नाउ का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में अभी मैं खेला ये गेम, ठीक है। तो इसने ये प्लेड किसको इंडिकेट कर रहा हैव प्लेड प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस आ गया, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया। ए वर्ब दैट शोज दैट द एक्शन हैज बीन कम्प्लीटेड एट द प्रेजेंट मोमेंट इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसने इसको मतलब क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है ये वर्तमान काल में। इसके बाद सिमिलरली फॉर द बी और सी सेंटेंसेज रेस्पेक्टिवली विल कम इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पास्ट का आपको पहले भी मैंने बताया था भूतकाल होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। पास्ट टेंस में उसने ये काम किया, मैं खेला था या खेल चुका था, ठीक है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। और शैल हैव जब इसमें हमने यूज कर दिया तो यानी फ्यूचर टेंस का यूज हो गया, भविष्यकाल में इस गेम को मैं 7 बजने से पहले तक खेल चुकूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो किसी भी मेरे वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ राइट करके भेजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।